देखिए भाई, आज के टाइम में प्ले स्टोर पर आपको काफ़ी सारी पर्सनल लोन एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगी। इनमें से कुछ एप्लीकेशन मात्र आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन ऑफर कर देती है, तो कुछ एप्लीकेशन आपसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जैसे इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह आपसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि मात्र 1% के डॉक्यूमेंट्स पर ही दो प्रकार के लोन ऑफर निकाल कर दे देगी। इसके अंदर जो पहला लोन होगा क्रेडिट लिमिट लोन होगा, जिसके अंदर मात्र आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड देंगे और अप टू 60,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर लेंगे। जो दूसरा लोन होगा वो कैश लोन होगा। भाई अगर आपको बिग अमाउंट का लोन चाहिए और आपके पास में बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ की व्यवस्था है, तो ये दोनों ही चीज़ देकर आप एक बिग अमाउंट का लोन भी ले लेंगे, जैसे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपये तक का लोन भी ले लेंगे। अब भाई आपको अलग अलग एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्मॉल अमाउंट का लोन चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर, तब भी ये एप्लीकेशन काम कर जाएगी। और भाई आपको बिग अमाउंट का लोन चाहिए इनकम प्रूफ एंड बैंक स्टेटमेंट के साथ में, तब भी ये एप्लीकेशन काम कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं मोबिक्विक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी जेन्युइनली एप्लीकेशन है। भाई इस एप्लीकेशन का ज़्यादा इंट्रोडक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन काफ़ी पॉपुलर है। तो आप बिना टेंशन के ही इस एप्लीकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं एंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं कुछ बेसिक्स इसका इंट्रो एंड फीचर्स इस एप्लीकेशन का आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एप्लीकेशन में भाई आप यहाँ पर नीचर जाके देखेंगे तो एप्लीकेशन को 4.4 की यहाँ पर रेटिंग मिली हुई है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त ये रेटिंग है। अगर 4 स्टार से अबव किसी भी एप्लीकेशन की रेटिंग है तो एप्लीकेशन बढ़िया है, नो टेंशन, आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। डाउनलोडिंग की बात करूँ तो भाई 50 मिलियन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। 50 मिलियन मायने रखते हैं, 50 मिलियन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। रिव्यू की अगर बात करें तो भाई नीचे आकर देखेंगे तो लोगों के अलग अलग यहाँ पर ओपिनियन रखे गए हैं, लोगों को अलग अलग यहाँ पर ओपिनियन दिया हुआ है। एप्लीकेशन को 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार करके रेटिंग यहाँ पर मिली हुई है। ऑल ओवर रेटिंग की बात करें तो 4.4 की यहाँ पर रेटिंग दी गई है। तो भाई एप्लीकेशन को हम यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं। एप्लीकेशन दो प्रकार के लोन ऑफर करती है, एक तो क्रेडिट लिमिट जो कि आपको अप टू 60,000 रुपये तक का दे देगी आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर, और दूसरे जो प्रकार का लोन है कैश लोन है, जो कि आपको बैंक स्टेटमेंट एंड इनकम प्रूफ के साथ में भी 1,00,000 रुपये तक का लोन ऑफर कर देगी। तो चलिए एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुके हैं एंड ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमने ओपन कर लिया है एंड अब मोबाइल नंबर फिल करने का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, वही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी से आप अपने मोबाइल नंबर को सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे। भाई एप्लीकेशन में मैं क्रेडिट लिमिट यानी आधार कार्ड पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेने का तरीका यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप करके अब दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लगातार बने रहे। आप ओटीपी से जैसे अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप यूपीआई से भी अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर यूपीआई से अकाउंट को लिंक नहीं करना है। इस पेज में आपको एक बार बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का प्रोसेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर में ही आपको यहाँ पर 60,000 की लिमिट दे दी जाएगी आपकी केवाईसी के थ्रू, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड केवाईसी के थ्रू ही आपको यहाँ पर 60,000 की लिमिट दे दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर इस पेज में आप यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीजें, लोकेशन को एंड अपने कॉन्टेक्ट सभी चीजों को आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन है एक क्रेडिट लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड करवाती है। क्रेडिट लिमिट में दोस्तों आपकी जितनी भी लिमिट मिलेगी उस लिमिट को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं बिना ब्याज के ही, और उस लिमिट का आप रिचार्ज वगैरह या फिर स्कैन करके आप कोई भी सामान वगैरह परचेज कर सकते हैं, और आप यहाँ पर इस लिमिट को बैंक में भी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से आप क्रेडिट लिमिट यानी पे लेटर भी ले सकते हैं और लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपके जो भी पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे चेकबॉक्स दिखाई दे रहा होगा, चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपकी कुछ पर्सनल डिटेल है, 2-4 पर्सनल डिटेल है, इन डिटेल्स को हम यहाँ पर फिल करके हमारा जो लोन है वो कितना अप्रूव होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों हमने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है और साथ ही साथ हमारी डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पर फिल कर दी है, चेकबॉक्स पर हमने क्लिक कर दिया है, अब कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर मांगे जा रहे हैं, तो आपके जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है ये कैप्चर कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों हमारे आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी को हम यहां पर फिल कर देंगे एंड फिर से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप अपने डिजी लॉकर के कोई भी रैंडमली आपको यहां पर 6 डिजिट के आपको यहां पर पिन बना लेने हैं, तो चलिए दोस्तों हम यहां पर 6 डिजिट के पिन बना लेते हैं एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे अलाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो नाम है ऊपर में सेव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ी देर का आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके जो भी पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आपसे यहाँ पर वापस मांगे जा रहे हैं, तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिल करके जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी एक सेल्फी यहाँ पर ले लेनी है। तो यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए आप यहाँ पर नीचे देखेंगे टेक सेल्फी पर आप क्लिक करेंगे एंड अपने कैमरे को यहाँ पर एक्सेस कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आपका जो कैमरा है यहाँ पर चालू हो जाता है, तो आपको इस कैमरे में अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। तो भाई आप जैसे यहाँ पर सेल्फी ले लेते हैं, इसके बाद में आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड आपका जो भी फादर्स का नेम है वो फादर्स का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो भाई आप ईमेल आईडी और आपका फादर्स का नेम फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी डिटेल्स को यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। हमारी जो पे लेटर लिमिट निकल कर आई है वो 5,000 रुपये की निकल कर आई है। और इस पर दोस्तों आप यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, यहाँ पर 0% दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस 5,000 रुपये पर हमें एक भी रुपया ब्याज देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों इसकी जो एक्टिवेशन टाइम है यहाँ पर 24 घंटे तक का लग सकता है। अगर आप इस पे लेटर का टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर देते हैं तो इसकी जो लिमिट को है वो इंक्रीज करके यहाँ पर 60,000 रुपये तक की जा सकती है। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 399, यानी कि दोस्तों आपको जितनी लिमिट मिली है इस लिमिट को अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर 399 का चार्ज काटा जाएगा। मात्र और मात्र फर्स्ट टाइम यूज करोगे तभी काटा जाएगा, चाहे आप कितने भी लिमिट को यूज करें आपको कितने भी लिमिट मिली होगी। इसके बाद में आप सेकंड टाइम इस लिमिट को यूज करोगे तो आपको एक भी रुपया नहीं देने की जरूरत है। इसके बाद में आप कितनी भी बार इस लिमिट को यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम इस लिमिट को यूज करोगे तभी आपको यहां पर 300 रुपये का चार्ज देना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड है तो यहां पर नीचे आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपको यहां पर वीडियो केवाईसी करनी होगी, तो आपको यहां पर स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर जो वीडियो केवाईसी है वो किसी केसेज के अंदर ही करवाई जाएगी। आपका अच्छे से वेरिफिकेशन करना होगा या फिर एम्प्लॉयड लोगों को डाउट होगा तभी दोस्तों आपसे यहाँ पर वीडियो केवाईसी करवाई जाएगी। अगर आपसे वीडियो केवाईसी नहीं करवाई जाएगी तो दोस्तों आपके लिए जो ऑफर है, आप कितने क्रेडिट लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे वो ऑफर आपके लिए डायरेक्ट ही निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो केवाईसी वगैरह हम सभी चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जब आप स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर आपकी एप्लीकेशन के जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपका जो भी पैन कार्ड है वो पैन कार्ड को रेडी करना है, यानी कि आपका लाइव पैन कार्ड वहां पर वीडियो केवाईसी पर देखा जाएगा। आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी सही होनी चाहिए तभी वीडियो केवाईसी यहां पर की जाएगी। आप सही प्लेस में बैठे हुए होने चाहिए, आपके चेहरे पर लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए और आपके माइक की आवाज अच्छे से यहां पर प्रॉपर आनी चाहिए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, जब आपको यहां पर क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी तो ऊपर यहां पर बैलेंस वाले ऑप्शन के अंदर आपको जितनी क्रेडिट लिमिट मिली होगी उस वो क्रेडिट लिमिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। मैंने रिसेंटली में यहां पर किया है तो अभी यहां पर जो मेरे क्रेडिट लिमिट है यहां पर वॉलेट में ऐड नहीं की गई है। इस क्रेडिट लिमिट को दोस्तों आप किन किन चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं, स्कैन एंड क्यूआर कोड कर सकते हैं, वॉलेट टू बैंक अकाउंट में यहां पर कर सकते हैं, काफी सारी आप यहां पर जैसे रेंट पे कर सकते हैं, ईएमआई पे कर सकते हैं, काफी सारी चीजों में इस क्रेडिट लिमिट को आप यूज कर सकते हैं। आप तो वॉलेट टू बैंक में क्लिक करके आप इस क्रेडिट लिमिट को आप अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक देखने को मिल रहा है लिंक पर क्लिक करके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें एंड वहीं पर आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें एंड जल्दी से इस लोन के लिए अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।